हर किसी की दिल से इच्छा होती है कि उसके पास रुपया हो, पैसा हो, धन की कोई भी कमी ना रहे, और इसके लिए व्यक्ति अपने दिल से बड़ी मेहनत भी करता है। इन सब के चलते कई लोग धनवान भी होते हैं और कई लोग मेहनती होते हुए भी धनवान नहीं हो पाते। ऐसा उन लोगों के साथ में क्यों होता है? इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण वजह बताई गई हैं, जो अपने आप में कई सारे राज खोलती हैं। तो चलिए फिर जानते हैं रामायण में बताई वो वजह जिनके कारण एक मेहनती होते हुए भी इंसान के पास लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर एक, जिस भी व्यक्ति की स्त्री सभ्य होती है, जिस घर में एक पत्नी गुणवती होती है, मित्रवती होती है, अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। जबकि एक चरित्रहीन स्त्री या फिर चरित्रहीन पुरुष जो बाहर की स्त्रियों पर पैसा लुटाए, उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर दो, किसी को भी धन का अर्जन लालच के हित से नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लक्ष्मी की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। नंबर तीन, ऐसा व्यक्ति जिसमें घमंड हो, जो अपने अभिमान के चलते अपनों से कमतर लोगों का अनादर करता हो, उन्हें महत्वता नहीं देता हो, तो उसके पास लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। नंबर चार, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के व्यसन को महत्वता देता है या फिर उसके अधीन है, तो फिर उसके यहाँ लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। नंबर पांच, जिसके भी चारों ओर और लोगों का आवरण हो, जो चरित्र से रहित है, जिनके मन में खोट है, वो जीवन में कभी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।